सोहेगे जी, अगर आप इंस्टाग्राम पे अपडेट की बात करो तो हर दिन अपडेट आते रहते हैं। और हाँ गई जी, इंस्टाग्राम पे एक और अपडेट आया है जिसमें आपको फीचर मिलता है, काफी कमाल का फीचर। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कुछ इस तरह से, एड योर्स वाला जो फीचर मिला है आपको कहाँ पे इंस्टाग्राम में देखने के लिए मिलता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप इंस्टाग्राम पे कोई भी फोटो यानी कि सेल्फी लेते हो या कोई भी गैलरी से फोटो लगा लेकर और उसको स्टोरी लगाते हो, वहां पे आपको एक स्टिकर वाला ऑप्शन मिलता है जहां से कोई भी इमोजी वगैरह आप लगाते हो जस्ट कुछ इस तरह से। एंड यहाँ पे जैसे स्टिकर पे क्लिक करते हो तो ऊपर की साइड आपको देखने के लिए मिलता है एड योर टेम्पलेट। पहले ये क्या हो रहा था कि केवल एड योर से दिख रहा था, लेकिन अब एड योर से टेम्पलेट का फीचर आ चुका है इंस्टाग्राम पे, हाल फिलहाल में आया हुआ है। अगर आपके इंस्टाग्राम अकाउंट में अपडेट नहीं आया है तो किस तरह से आएगा आपके इंस्टाग्राम अकाउंट में, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपके इंस्टाग्राम अकाउंट में ये फीचर नहीं शो कर रहा है तो किस तरह से आप लाओगे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में इस फीचर को। और हाँ गई, अगर आपने फीचर शो कर रहा है तो किस तरह से आप इसका यूज करोगे, आखिर इसका यूज करने से हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट में क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट में क्या ग्रोथ देखने के लिए मिलेगा, आपको फायदा क्या होगा इस फीचर का यूज करने से, किस तरह से आप इस फीचर का यूज करोगे, सब कुछ मैं आपको इस छोटी सी वीडियो में, यानी कि थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी लेकिन आपको मैं सब कुछ बताऊंगा। यानी कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए। और हाँ गई, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसी तरह का वीडियो हमारे चैनल पर मिलती रहती है। तो गाइस करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और तो गाइस यहाँ से फोन के स्क्रीन पे हम आ चुके हैं और आप भी इंस्टाग्राम को ओपन कर लीजिएगा, क्योंकि सारा जो भी मैं आपको बताऊंगा इंस्टाग्राम से ही बताऊंगा। और हाँ गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को अगर आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है सोशल मीडिया से रिलेटेड, ऐसा नहीं कि इंस्टाग्राम से, पूरे सोशल मीडिया से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे डीएम या मैसेज करके पूछ सकते हो। चलिए गाइस, जो न्यू फीचर आया हुआ है उसको मैं आपको बताता हूँ। कोई भी आप फोटो सेलेक्ट करते हो या कोई भी फोटो या कोई भी सेल्फी लेते हो या किसी भी फोटो पे जैसे आप स्टोरी लगाते हो, उस फोटो को अगर आप सेलेक्ट करते हो या ऊपर की साइड सेलेक्ट करने के बाद ऊपर की साइड स्क्रॉल करते हो या स्टिकर वाले ऑप्शन पे जस्ट आप क्लिक करते हो जो ऊपर की साइड दिखता है, देन जैसे ही क्लिक करते हो यहाँ पे आपको एड योर टेम्पलेट का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये न्यू फीचर है, हाल फिलहाल में आया हुआ है, जो कि कुछ इस तरह से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिलेगा और ऊपर की साइड भी देखने के लिए कुछ इस तरह से देखने के लिए आपको मिल जाता है। अगर आपको इसी तरह का वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो गाइस जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो कुछ इस तरह से दोनों जगह आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बहुत सारे नए फीचर आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे आए दिन। तो गाइस जैसे आप इस पर क्लिक करते हो जो एड योर टेम्पलेट का फीचर आपको दिखता है, जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो कुछ इस तरह से आपके फोटो पे स्टिकर टाइप इमोजी टाइप कुछ इस तरह से ऐड हो जाता है। गाइस मैं आपको बता दूं कि आखिर आप इस फीचर का यूज करोगे तो आपको फायदा क्या होगा। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे स्टोरी व्यूज आपको मिलने वाले हैं अगर आप इस फीचर का अच्छे से अगर आप यूज करना सीख जाते हो तो आपके इंस्टाग्राम स्टोरी पे भर भर के व्यूज आएंगे। तो किस तरह से यूज करना है चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं, देन कुछ इस तरह से लिख लेने के बाद आपको यहाँ से डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है और आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो। और यहाँ पे लिखने के बाद हम सही से सेट कर लेते हैं। सो सेट करने के बाद भी अगर आप देखोगे कि तो नीचे की साइड आपको स्टोरी शेयर का ऑप्शन आपको देखने के लिए नहीं मिलता है, तो आपको नीचे की साइड आपको दिख जाएगा पिन करना है, तो आपको पिन वाला ऑप्शन कुछ इस तरह से आपको ऊपर की साइड दिख जाएगा। सो आप जैसे ही क्लिक करते हो पिन वाले ऑप्शन पे कुछ इस तरह से एनिमेशन टाइप का आपको दिख जाएगा, देन आप स्टोरी शेयर का ऑप्शन आपको नीचे की साइड मिल जाएगा। यानी कि कुछ इस तरह से पिन करने के बाद आप जो भी टेम्पलेट बनाए हो उसको पिन कर लेते हो तो आपको नीचे की साइड आपको स्टोरी शेयर का ऑप्शन आपको मिल जाता है कुछ इस तरह से। आप जैसे ही क्लिक करते हो स्टोरी योर स्टोरी पे यानी कि स्टोरी शेयर करने के लिए तो आपको कुछ इस तरह से शेयर टेम्पलेट का एक पॉपअप आता है जिसमें आपको बताया जाता है कि एनीवन कैन यूज दिस टेम्पलेट इन देयर ऑन, यानी कि जो भी आपने स्टोरी पे टेम्पलेट यानी कि क्रिएट किया है बनाया है आपने स्टोरी वाले टेम्पलेट को कोई भी यूज कर सकता है, यानी कि कोई भी यूज कर सकता है चाहे आपका फॉलोअर्स हो या नॉन फॉलोअर्स हो। बाद बाकी उसके बाद भी आपको दिया जाता है बहुत सारे, यानी कि बताया जाता है कि अगर आप टेम्पलेट डिलीट करते हो पूरी तरह से डिलीट कर देते हो टेम्पलेट तो जो भी यूज किए हैं वो नहीं यूज कर पाएंगे, यानी कि जो भी आपका टेम्पलेट यूज किए हैं उनके पास से भी आपका टेम्पलेट डिलीट हो जाएगा। चलिए यहाँ से शेयर करते हैं, बहुत कुछ मैं आपको बताऊंगा टेम्पलेट को किस तरह से डिलीट करना है अगर आप डिलीट करना चाहो, किस तरह से शेयर करेंगे तो आपका यूज किस तरह से कोई भी टेम्पलेट यूज किस तरह से
करेगा, किस तरह से आपके इंस्टाग्राम स्टोरी पे व्यू जाएंगे, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो स्टोरी को शेयर हो जाने देते हैं और कुछ इस तरह से स्टोरी शेयर हो जाने के बाद आपको दिखता है आपका जो भी स्टोरी है कुछ इस तरह से दिखता है। एंड गाइज ये रहा तो हमारा स्टोरी की कुछ इस तरह से दिखेगा, जैसे हमने टेम्पलेट क्रिएट किया है। और इस टेम्पलेट का अगर कोई दूसरा कोई यूज करना चाहे या दूसरे के मोबाइल में किस तरह से हमारा स्टोरी दिखेगा, चलिए मैं आपको दिखाकर बताता हूँ। चलिए इसके लिए मैं दूसरा इंस्टाग्राम अकाउंट को ओपन कर लेता हूँ और कुछ इस तरह से हम अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को स्विच करते हैं। दूसरा इंस्टाग्राम अकाउंट हमारा आ चुका है, जिसके बाद यहाँ से हम सर्च कर लेते हैं जो भी हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, शायद हमने उसको फॉलो नहीं किया है। और एक कुछ इस तरह से हमारा इंस्टाग्राम है जिसपे स्टोरी हमने लगाया था कुछ इस तरह से, और ये रहा जो कि कुछ इस तरह से दिखा रहा है। और यहाँ से जो हमारा स्टोरी था, स्टोरी टेम्पलेट हमने बनाया है, यहाँ पे आपको ऊपर की साइड दिख जाएगा टेम्पलेट भी दिखा रहा है लिखा हुआ। अगर आप ध्यान से देखो तो ऊपर की साइड टेम्पलेट का ट्राइट दिखा रहा है, टेम्पलेट ट्राइट। अगर आप इस टेम्पलेट पर जैसे ही क्लिक करते हो तो कुछ इस तरह से यानी कि कैमरा खुलकर ओपन हो जाता है, और यहाँ से आप सेल्फी भी ले सकते हो या आप अपनी गैलरी से कोई भी फोटो सेलेक्ट कर सकते हो, कोई भी एक फोटो को सेलेक्ट करते हैं जिस पर मैं आपको स्टोरी लगाकर दिखाऊंगा। सुगज कुछ इस तरह से हम अपने गैलरी से एक फ़ोटो को सेलेक्ट कर लिया है और कुछ इस तरह से। और हाँ गाइज, अगर आप यहाँ से गाना चेंज करना चाहो तो गाना भी चेंज कर सकते हो, या कुछ टेक्स्ट लिखना है, कोई फिल्टर लगाना है तो आप इजीली लगा सकते हो। देन गाइज लगाने के बाद आपको यहाँ से स्टोरी लगा देना है, आपने जो टेम्पलेट के यूज किया है स्टोरी आपका लग जाएगा कुछ इस तरह से। हम यहाँ से बैंक आ जाते हैं और हम अपने प्रोफाइल पर आते हैं कुछ इस तरह से, और यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हो कि हमने जो स्टोरी लगाया था लग चुका है कुछ इस तरह से। एंड अगर आप नोटिस करो इसमें तो आपका भी प्रोफाइल दिखा रहा है, यानी कि जो हमने शुरू में जिस इंस्टाग्राम अकाउंट से हमने स्टोरी लगाया था यहाँ पे दिखा रहा है, यानी कि एक चैन क्रिएट होने लगा है। और आप यहाँ से इस टेम्पलेट को देख सकते हो कि कौन कौन हमारे इस टेम्पलेट का यूज किया है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो आपने टेम्पलेट का यूज किया है यानी कि एक अकाउंट दो अकाउंट में यूज हो चुका है। इसी तरह से बहुत सारे लोग आपके टेम्पलेट का अगर यूज करते हैं, बहुत अच्छा खासा अगर आप टेम्पलेट क्रिएट कर लेते हो तो गाइज आप जो भी आपका स्टोरी व्यू धराधर बढ़ने लगेंगे। और हाँ गाइज, अगर आप में ये फीचर नहीं शो कर रहे तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, सिंपल से बैंक आना है। और बैंक आने के बाद आपको अपने फ़ोन में प्ले स्टोर या ऐप स्टोर को ओपन करना है, जहाँ से अपने इंस्टाग्राम ऐप को सबसे पहले तो अपडेट कर लेना है। देन क्या हुआ कि ये नया फीचर आया हुआ है, अगर आपने अपडेट नहीं किया है तो आपके इंस्टाग्राम अकाउंट में स्वाभाविक है कि शो नहीं करेगा। अगर आप अपडेट कर लेते हो अपने इंस्टाग्राम ऐप को तो आपके इंस्टाग्राम अकाउंट में ये फीचर शो करने लगेगा। और हाँ, अगर अपडेट करने के बाद भी अगर आपके इंस्टाग्राम अकाउंट में ये फीचर शो नहीं कर रहा है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज या डीएम कर सकते हो, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई दूंगा आप किस तरह से इस फीचर को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में ला सकते हो। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।